व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ेन, यू आर वॉचिंग एचटी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, इन्जॉय कर रहे होंगे। और जिस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं उसका टाइटल कुछ ऐसे है, पाकिस्तान इज शॉक टू सी इंडियन वॉरशिप नियर पाकिस्तानी कोस्ट। तो हमारी जो कोस्ट लाइन है, चाहे वो सिंध की हो, बलोचिस्तान की हो, उसके करीब देखा गया है इंडियन वॉरशिप्स को। अब दो चीज़ें आ सकती हैं, एक तो ये कि इंडिया ने दो वॉरशिप्स जो हैं वो अरेबियन सी के थ्रू जो है ना, वो गल्फ़ ऑफ अकाबा और जो हूसीज़ की साइड पे है, ये अपना क्या कहते हैं, ईरान, दुबई, यमन, ये साइड जो है इस पे स्ट्रेट पे जो है ना भेजी थी, ताकि जो है ना जो अटैक्स हो रहे हैं हूसीज़ की तरफ से वो कंट्रोल किए जा सकें। एक तो ये वो वाले वारशिप्स हो सकते हैं, दूसरा हो सकता है कि ये कोई नया सीन हो, क्योंकि अभी जिस तरह से रीजन में एक एक्टिविटी, एक सर्ज देखी गई है, ईरान ने भी एकदम से अचानक से स्ट्राइक कर दी, अफगानिस्तान से तो वैसे फटा चल रहा है, चाइना जो है वो खामोश बैठा है, और इंडिया में वो सर्वशक्ति ऑपरेशन हो रहा है LOC के अक्रॉस। तो लेट्स सी क्या सीन है ये। तो शुरू करते हैं, अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। 3, 2, 1। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत ने अपनी ताकत दिखाने, समुद्री डकैती और ड्रोन हमलों जैसी घटनाओं पर लगाम कसने के लिए नॉर्थ और मध्य अरब से अदन की खाड़ी तक फैले समुद्री क्षेत्र में अपने कम से कम 10 अग्रणी युद्ध पोत तैनात कर रखे। अधिकारियों ने शुक्रवार को ये जानकारी देते हुए बताया कि समुद्री डाकुओं की हरकतों पर लगातार नजर रखी जा रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि भारतीय युद्ध पोत हमारी कोस्ट के बहुत नजदीक पेट्रोलिंग कर रहे हैं, ये हमारे लिए खतरे की घंटी है। नौसेना अधिकारियों ने बताया कि अरब सागर और अदन की खाड़ी में 6 से 10 दिन प्रमुख स्वदेशी युद्धपोतों को तैनात किया गया है, जिसमें विध्वंसक पनडुब्बी और समुद्री गश्त में इस्तेमाल होने वाले पोत शामिल हैं। इसका उद्देश्य मुख्यतः समुद्री डकैती पर रोक लगाने के उद्देश्य से सोमालिया के तटों पर नजर रखना और वाणिज्यिक पोतों पर होने वाले ड्रोन हमले रोकना है। अधिकारियों के मुताबिक भारतीय युद्धपोत समुद्र में किसी भी घटना को रोकने के लिए पूरी तरह मुस्तैद हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक सो मच। मतलब आपका क्या पोस्चर है? जाहिर है इससे पहले जो है ये बात तय हो गई थी कि कौन इस कोएलिशन में हिस्सा लेगा, ठीक है, नेदरलैंड्स, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बहरीन ने, लेकिन इंडिया ने नहीं लिया। इंडिया ने, आई थिंक इंडिया का पोस्चर ये है कि हम अपने ऑपरेशन करेंगे इंडिविजुअल जो वाटर्स के जो गिर्दोनवाह में, लेकिन हम किसी कोलिशन का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि उनको मौका मिल गया। अब फ्रॉम अ पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप अरेबियन सी का मैप उठा लें, अगर उन पाकिस्तान की कोस्ट के इर्द गिर्द आपके ये भारतीय जो नेवल एसेट्स हैं वो डिप्लॉयड हैं, गश्त कर रहे हैं, अपनी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, सिक्योरिटी के जो जितने भी टास्क हैं वो पूरे कर रहे हैं, दैट्स टू क्लोज टू पाकिस्तानी वाटर्स ना, तो फिर पाकिस्तान वो हेम्ड इन है। क्योंकि इफ इंडिया सेज के भाई वी आर नाउ गोइंग टू प्रोवाइड सिक्योरिटी इस इलाके में, ठीक है, जो हमारे वाटर्स के करीब है, पाकिस्तान के करीब है, क्योंकि देखिए नक्शे के ऊपर अगर आप देखें तो जो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मूज है, गल्फ ऑफ ओमान है, पूरा बहसियत जो बहर अरब है वो बहुत बड़ा है। तो लेकिन ये है कि इन वाटर्स के करीब जो है अगर वो कर रहे हैं, तो फिर पहला, सबसे पहला जो इम्पैक्ट है वो पाकिस्तान पे पड़ता है, क्योंकि पड़ोसी मुल्क है। और फिर ये है कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, पाकिस्तान की जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है वो उसका क्या पोस्चर होगा, ये पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा। क्योंकि देखिए भारत अगर खित्ते की नेवल सिक्योरिटी या मैरिटाइम सिक्योरिटी को अपने हाथ में ले रहा है, तो एक तो ये है कि ये बेसिकली चाइना को प्रीएम्प्ट किया जा रहा है, चाइना इन वाटर्स में ना खेले, वो कि चाइना खेलने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो उस लेवल पे नहीं है। गवादर जो है वो ठीक है, चाइना के जो है वो डेवलप कर रहा है, लेकिन वो अभी डेवलप नहीं हुआ तो जो हमने एक स्टार्टिंग में बात की थी कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो मैं आपको कह रहा था ना, दुबई, ईरान और यमन के दरमियान में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, इसी तरह गल्फ ऑफ अकाबा और ये सब जो हैं इनकी प्रोटेक्शन के लिए, जो आप कह लें कमर्शियल एसेट्स आ रहे हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए ये सब किया गया है।
और ज़रूरी भी है, क्योंकि देखें हौसीज़ जो हैं वो डायरेक्टली ना इसराइल को तंग कर रहे हैं, ना उसके जो अलायंस में इसराइल के लोग हैं उनको तंग कर रहे हैं। वो बेसिकली जो कमर्शियल एसेट जा रहे होते हैं नॉन मिलिट्री ऑब्जेक्टिव के साथ, वो उन पे अटैक कर रहे हैं। और बेसिकली इससे क्या होगा, इसका इम्पैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी पे आएगा, और ख़ास तौर पे नुकसान उनका कर रहे हैं जो डिफरेंट कंट्रीज़ जो हैं सौदा मंगवा रही हैं और उस इलाके से गुजार रही थी। तो आई बिलीव इस पे जो है ना इनको सोचना चाहिए। हाउसेस आपको पता ही है एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इट्स नॉट अ स्टेट ओन्ड बॉडी, या उनका कोई ऐसा एज सच वो है नहीं। मिलिटेंट हैं और ईरान उन्हें सपोर्ट करता है, तो इस पे कोई उन्हें सपोर्ट करे तो बड़ी अजीब बात लगती है। बाकी अगर इंडिया सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो इंडिया ने जो है ना वो जो कोलिशन बना है 15 मुल्कों का, उसमें तो शामिल नहीं हुआ ना, वो अपने वाटर्स को जो इंडियन ओशन में इंडियन टेरिटरी है उसकी हिफाजत के लिए खड़ा है। तो हमें एज सच मैं समझता हूँ टेंशन नहीं लेनी चाहिए। अब पड़ोसी अपने मकान में जो मर्जी करे, दूसरे को तंग नहीं होना चाहिए, है ना? तो यही रूल पानी में भी अप्लाई होता है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।